एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बिजनौर के ब्लॉक हल्दौर में स्थित रामपुर बकली गांव पड़ा। लगभग 4000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 17 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान खिलेंद्र हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। लगभग 2400 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर दिखाई दिया। वहीं बात शिक्षा के स्तर की करें तो गांव के प्राइमरी पाठशाला में लगभग 160 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। जब एबीपीएस न्यूज टीम ने वर्तमान प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा की तो पाया कि गांव में वर्तमान प्रधान द्वारा सीसी टाइल्स रोड, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों का निर्माण भी कराया गया है। साथ ही पेयजल आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए गाँव में 17 हैंडपंप, वहीं विद्युत आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए 83 विद्युत पोल व 2 विद्युत ट्रांसफार्मर भी गाँव में लगवाए जा चुके हैं। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गाँव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, पानी निकासी के लिए नाला, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी ट्यूबवेल तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान रामपुर बकली जिला बिजनौर, हमारे जो केंद्र और राज्य सरकार है काफी अच्छा काम कर रही है और उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि आगे हमें पूरा सहयोग दिया जाए और हमारी पंचायत पर ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से विनती है कि हमारे ग्राम पंचायत को अधिक से अधिक धन आवंटित किया जाए ताकि मैं अपने गांव का विकास और अच्छी तरह से कर सकूं। यही मेरी गुजारिश है और मोदी जी और योगी जी से यही प्रार्थना है कि हमारे गाँव पर थोड़ा सा ध्यान दिया, स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था, पंचायत घर की व्यवस्था, आंगनबाड़ी केंद्र भी यहाँ पर नहीं है, बच्चों के खेलने कूदने का मैदान भी नहीं है। तो मैं आप उनसे अनुरोध करता हूँ कि इस चीज़ के लिए हमें धन आवंटित करें ताकि हम इस सुविधा गाँव वालों को दे सकें। वहीं ग्रामीणों ने भी बताया कि गांव के वर्तमान प्रधान गांव में विकास कार्य बेहतर तरीके से करा रहे हैं। उन्होंने सरकार से जल्द गांव के लिए फंड दुरुस्त कराने की मांग भी की है। प्रधान जी हैं, आज तक जो भी इन्होंने काम किया बहुत अच्छा किया, विकास अच्छा चल रहा है। और यह है कि ऐसा प्रधान और किसी ने काम नहीं किया जो ये काम कर पा रहे हैं। कोई ऐसी वैसी बात भी होती है तो वहाँ हाजिर पहले होते हैं, दंगा फसाद होता है या कुछ भी बात होती है मोहल्ले में, या कूड़ा वूड़ा कहीं अट गया है, नाली की सफाई, चैम्बर की सफाई जो भी है, आधी रात तैयार होते हैं। इनके साथ हम जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा विकास बना रखा है, विकास के बारे में खूब अच्छी जानकारी एक दूसरे को देते हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं।